रे ऑप्टिक्स के अंदर हम सिर्फ दो फिनोमिनाज ही स्टडी करने जा रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बस। ये एक महीना सिर्फ इसी के ऊपर काम चलेगा। आप ये सोचेंगे कि ऐसी कितनी की रिफ्रैक्शन करवा देंगे कि जो एक महीना तक चलेगी, तो इसका आंसर ये है, सबसे पहले नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगी, जैसे आप छोटी क्लास में करके आए हैं कि लॉ है, एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है रेयर से डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, बेसिक है। तो पहले तो स्नेल्स लॉ करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, फिर हम जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो आज ही करने वाले हैं, जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स इसमें देखेंगे, ग्लास स्लैब में देखेंगे, वाटर में देखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल सरफेस प्लेन ले रहे हैं, उसमें रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस में करेंगे। अगर आपका ग्लास कर्व्ड है या स्फेयर की फॉर्म में है, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे लगती है। प्लेन हमने की हुई है छोटी क्लास में भी, कर्व हमने की नहीं, तो कर्व इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड रिफ्रैक्शन है, फिर हम रिफ्रैक्शन करेंगे लेंस में, क्योंकि तो लेंस भी ग्लास का बना हुआ है, तो अगर वो लेंस ग्लास का बना हुआ है तो उस लेंस ग्लास में रिफ्रैक्शन के अफेक्ट कैसे हैं, लेंस का कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लास में करके भी आए हैं, उसमें रिफ्रैक्शन करेंगे, जिसका फॉर्मूला भी आपने सुना होगा, 1/f = 1/v - 1/u, वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स हैं। फिर हम करेंगे रिफ्रैक्शन प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म, और रिफ्रैक्शन करेंगे किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। अगर एक लेंस में सीख लिया, फिर दो लेंस में कैसी होगी और तीन लेंस में कैसी होगी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हैं इसे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर भी रिफ्रैक्शन करेंगे। फिर हम करेंगे, एक लेंस है और एक मिरर है, लेंस में से रे गई, मिरर से टकरा के लेंस में से वापस आ गई, तो इस तरीके की रिफ्रैक्शन करेंगे, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन है, वैसे बोलते हैं इसे। और फिर लास्ट में करेंगे रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती हैं। तो आपको टॉपिक से ही पता लग रहा है कि ये थोड़े लंबा जाने वाला है ऑप्टिक्स, और हर की प्रैक्टिस भी होगी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होगी, और ये डायग्राम भी होगा। नेक्स्ट उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन सिंपल है, स्फेरिकल मिरर्स पे और प्लेन मिरर पे, सिंपल, बस वो छोटी है, रिफ्लेक्शन छोटी है, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो कोई भी अगर ऑप्टिक्स स्टार्ट करना हो, और स्पेशली रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करना हो, तो एक लॉ तो हर हालत में आना ही चाहिए, क्योंकि अगले 20 दिन में एक ही लॉ लगाने वाला हूँ, और जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर मान लो आपकी रे ऑफ लाइट एंटर करती है, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया इंसिडेंस आए, और रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है आर, ये μ1 μ2, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कैसे लगेगा, μ1 × sin of I, μ2 × sin of R। क्लियर है यहां तक, स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, हमने पहले भी किया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin I / sin R इज μ2 / μ1, और ये रूल कराया था मैंने, अगर ये 2 ऊपर आ रहा है तो यहां नीचे आएगा, और अगर नीचे आ रहा है तो यहां पर ऊपर आएगा। लिखने का तरीका, इसे कैसे रीड करेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये फॉर्मूला जैसे इस पे लगाना है, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin I / sin R क्या आएगा, μ glass / μ water। वाटर नीचे है ऊपर आ गया, ग्लास ऊपर है ग्लास नीचे आ गया, लिखना आ गया। इसको रीड करते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है यहां तक, ये आपका बेसिक स्नेल लॉ जो आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बार यूज होने वाला है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये रहा।